Right from the start, she held me close, and as time went on, she was strong enough to let me go. मां मैनू लगदा रहदा मैं जवां तेरे वर्गा यार सांदी रुंदिया मुदल पेन्नुनी है मेरी मां प्यारी मां तेजा हड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा आए तुझे ले करो ये डग को करो रानात फसले रास्ता चुकले सांग मिकाय करो बाप पे ज्यादा कविता नहीं होती, ना ही कथा उपन्यास, क्योंकि बाप बनना आसान है, होना नहीं। चलते चलते ठोकर लग जाए तो माँ की याद आती है, लेकिन बड़ी मुश्किलों के लिए बाप लगता है। काफ़ी सीरियल कथा उपन्यासों में माँ की ममता की कसीदे पड़े गए हैं, लेकिन बाप के बारे में शायद ही गौरतलब बाप शब्दों में ना समाता हो। आज हम उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिनमें बाप का प्यार उसकी रोज़ की संघर्षों की तरह छुप गया है। जाहिर है एक वीडियो में सारी फिल्मों का जिक्र होना तो मुश्किल होगा। आप भी ऐसी फिल्में हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, हमारी राय उससे रिप्लाई देकर बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। आपको ये कमर्शियल याद है? Daddy is the sweetest daddy in the world. और ये पता है आप जब इसे रिलेट करते हैं ना तब आंखें नम होती हैं। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने बाप सब्जेक्ट चुना है। मेरा पापा देश चलाता है, नहीं है नेता, लेकिन देश को वो चलाता है क्योंकि देश अपना गीला और सूखा कचरा अलग नहीं करता। मेरा बाबा कचरा, गटर और बीमारियों के अंदर जाता है। मेरे बाबा को बचाओ, इस देश को सिर्फ मेरे बाबा से मत चलवाओ। देश को देश का हर आदमी चलाता है। हाल ही में मराठी फिल्म रिलीज हुई है बाप माणूस। आई होण्या इतकंच बापपण निभावणं ही कठीण असतं। ये फिल्म की कहानी सिंगल फादर के अपने बच्चों के लिए संघर्षों की दास्तां बयां करती है। बाप आई नसतो, कारण तो बाप असतो। आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन इसकी कहानी एक जैसी है नेटफ्लिक्स फिल्म फादरहुड की तरह। But you know what? I'm going to do it because I'm a father. ऐसी ही और एक कहानी है जो आपके धड़कनों को धीमी कर देगी। नाम है देविया थिरुमलम। विक्रम ने इसमें बाप का किरदार निभाया है। मेंटली चैलेंज बाप की कहानी आपके दिमाग को सुन्न कर देगी। ये फिल्म YouTube पे भी मौजूद है। बाप हर बच्चे का सुपर हीरो होता है, लेकिन कभी कभी समाज के डर से बाप भी घबराता है, इसलिए बाप अपना प्यार बताता नहीं, जताता है। शायद मेरे इस बात को आप समझ सकेंगे अगली दो फिल्मों के जरिए से। No salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. 2006 की द पर्स्यूट हैप्पीनेस से 1981 में सैन फ्रांसिस्को के सेल्समैन क्रिस गार्डनर के जीवन पे ये फिल्म आधारित है। इस फिल्म को निर्देशित किया है द गैब्रियल जी ने। पैसे की दिक्कतों से अकेला जूझता बाप और बेटे की ये कहानी है। बाप और बेटे का रिश्ता काफी नाजुक होता है। हाय बाबा। शायद ये शब्दों में बताना मुश्किल। खरच खूब प्रयत्न करतोय मी तुम्हाला विसरायचा। इसीलिए इसे समझने के लिए आप देख सकते हैं निपुण धर्माधिकारी निर्देशित माझं आधीचं वागणं माझ्यावर बैकफायर होता है। फिल्म बाप जन्म। ये दोनों फिल्में आंखों में आंसू तो नहीं, लेकिन जिंदगी जीने के नई उम्मीदें जरूर देंगे। अगली फिल्म हमारे समाज का विभत्स रूप दिखाती है। तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में परिवार मिलके अपने बुजुर्ग माता पिता को मार डालता है। हाँ, आपने सही सुना। इस क्रूर प्रथा को सबसे पहले आमिर खान के सत्यमेव जयते प्रोग्राम द्वारा देश के सामने रखा था। आप इसे ओल्ड एज इस नाम से यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। इस प्रथा से जुड़ी 2023 की तमिल फिल्म है थलाईकूथल। तलय का मतलब है सर और थलाईकूथल यानी नहलाना। अगर कोई कहे मैंने अपने पिताजी का थलाईकूथल किया, मतलब मैंने उन्हें मार डाला। निर्देशक जय प्रकाश राधाकृष्णन जी ने कोमा में गए पिता और उनके हर कीमत पर जिंदा रखने वाले गरीब बेटे की कहानी दिखाई है। ये फिल्म अपने ओरिजिनल भाषा में ही है। इसका अभी तक कोई भी आधिकारिक डब वर्जन नहीं आया। ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन अगली फिल्म का निर्णय में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसकी कहानी उत्तर महाराष्ट्र के बंजर इलाके से आती है। कर्जे में डूबे अकेले बाप की कहानी। 3 वर्ष झाली, पाऊस नाही, पाणी नाही, निस्ता दुष्काळ। पण 1 वर्षाच्या आत जर पैसे जमा नाही केले तर तुझी जमीन आणि घर दोन्ही विकून वसुली कर। जो सिर्फ अपने लड़के के लिए जिंदा है। देवाच्या गावाला जायचं आपण। इस फिल्म का नाम है रिंगण। चुडलाय वे माझ्या लेखक निर्देशक मकरंद माने की इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। मकरंद जी का स्वतंत्र निर्देशक के रूप में ये पहली फिल्म है। The film is set in the background of farmer suicides in Maharashtra and is a heart-rending survival story of a father-son duo who decide to fight and live rather than end their lives. उनकी आने वाली अगली फिल्म बाप बेटे की नोकझोंक के ऊपर आधारित होगी। कहानी को लिखा है विठल काले और मकरंद जी ने। फिल्म का नाम है बाप ल्योक। फिल्म के लीड में दिखेंगे लेखक विठल काले। इन्होंने एज ए एक्टर डेब्यू किया था घर बंदूक बिरयानी से। ये इनकी तीसरी फिल्म। द वॉइस मैन सेज बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक लाइक करें, डिसलाइक करें, बस इग्नोर ना करें।